जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा भाईंदर के स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में हूं और यहां पे माझी वसुंधरा अभियान के अंतर्गत कहीं ना कहीं एक वन महोत्सव करके जो है एक प्रोग्राम यहां पे मनाया जा रहा है, जिसका जो मकसद है वन महोत्सव का, पेड़ पौधे लगाए ताकि जिससे पर्यावरण को जो नुकसान होता है उससे हम बच पाएँ। यहाँ पे आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त, MBBB पुलिस के DCP अमित काले जी, इसके अलावा नगर सेवक, नगर सेविका, आम नागरिक, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सारे अधिकारी, ये सारे लोग उपस्थित हैं। ये जो माझी वसुंधरा अभियान है ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से चलाया जा रहा है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह भी लगाए गए, करीब करीब हर तरह के, जैसे कपड़े के है, खाने पीने के है, सोलार सिस्टम के है, इलेक्ट्रॉनिक्स के है, अलग अलग तरह के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको विशेष जानकारी भी ज़रूर मिलेगी और सबसे बड़ा जो मकसद है वन महोत्सव, वन महोत्सव मतलब कि पर्यावरण को कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना। अगर इसी तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका इन सब सब्जेक्ट पे काम करती रही और सारे इशूज़ पे काम करती रही तो एक दिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका स्वच्छ भी होगा, सुंदर भी होगा और पॉल्यूशन फ्री भी होगा। इसमें हम सबको भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। अगर शासन प्रशासन किसी चीज़ की शुरुआत करता है तो उसमें जब तक आम नागरिकों का सहयोग नहीं होगा तब तक ये सफल नहीं होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे सिर्फ प्रशासन ही लगाए तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी अभियान में जब तक आम लोग नहीं जुड़ेंगे वो सफल नहीं हो सकता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से ये इनिशिएटिव किया गया है, हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको समझें और समझते हुए जहाँ तक हो सके इसको आगे बढ़ाए और लोगों को भी मैसेज दे, जिससे यानी पॉल्यूशन फ्री हमारा शहर हो और हमारा शहर स्वच्छ, सुंदर और खूबसूरत हो। आपके माध्यम से वही शहरवासियों को संदेश है, हमारे माननीय सम्मान्य नगर सेवक, सम्मान्य महापौर, उपमहापौर, जनगठ नेता, हर एक पक्ष के अपना विरोधी पक्ष नेता और सर्वसामान्य नगर सेवक, इनके माध्यम से, हमारे प्रशासन के माध्यम से शहरवासियों को संदेश है, अपना शहर प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए और पर्यावरण का संवर्धन करके अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट का इसके अंदर बढ़ोतरी होना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आणि आकाश या पंचतत्वांच्या रक्षणासाठी मी माझ्या दैनंदिन जीवन पद्धतीमध्ये बदल घडवून आणीन। हरित पृथ्वीसाठी जास्तीत जास्त भारतीय प्रजातीच्या झाडांची लागवड करेन, तसेच त्यांचे संवर्धन देखील करेन। ओला व सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण खत निर्मितीसाठी पुढाकार घेईन। मी प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर करणार नाही। कमीत कमी कचरा निर्माण होण्याबाबत दक्ष राहील। मी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सार्वजनिक वाहनांचा वापर करेन। दैनंदिन जीवनामध्ये पाण्याचा कमीत कमी वापर व जलसंवर्धनासाठी सातत्याने मी प्रयत्न करेन। माझ्या शहरातील तलाव, विहिरी, नद्या व सागरी किनारे स्वच्छ राहण्याकरिता मी दक्षता घेईन व सांडपाण्याच्या पुनर्वापराकरिता सदैव प्रयत्न करेन। मी ऊर्जा बचतीसाठी LED बल्ब व सौर दिव्यांचा वापर करेन व अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करेन। मी दैनंदिन जीवनामध्ये ऊर्जेचा अनावश्यक वापर टाळेन। मी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी जनजागृती करीन व त्यासाठी सदैव कटिबद्ध राहील। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। डॉक्टर रूपाली हैं हमारे साथ और ये केयर एंड क्योर। मैं ये पूछना चाहूँगा मैम कि ये जो माझी वसुंधरा अभियान है और इससे आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को कैसे जोड़ सकती हैं?
यस बेसिकली ना हम देखते हैं कि हमारे डेली के लाइफस्टाइल में हम नेचुरल चीज़ों से दूर जाते चल रहे हैं ना, तो मैं नॉर्मली नेचुरोपैथी को प्रमोट करती हूँ। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि लोग मेडिसिन से अवेयर होके समझे नेचुरोपैथी क्या है, नेचुरल चीज़ें क्या है, जिससे बेनिफिट क्या होता है, तो बेसिकली मैंने सारा रेंज रखा है यहाँ पे। जो ऑलरेडी हेयर और स्किन में मेरी मास्टरी है, मेरा क्लिनिक मीरा रोड स्टेशन के करीब में है, पूनम सागर में, तो हम देखते हैं कि केमिकल वाली क्रीम लगाने के बाद हमारी स्किन पील हो जाती है। ओके, तो कुछ दिन आप यूज़ करने के बाद आपकी स्किन लिटरली डैमेज हो जाती है। तो हम लोगों में अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि आप नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ो, जो हमारे पास जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, मुलेठी है, इनके साथ में स्किन के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको हम प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच। केयर एंड क्योर, राइट? केयर एंड क्योर, इनका अगर मैं इसको जोड़ूं इस प्रोजेक्ट से, तो ये जो है नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी केमिकल फ्री है, राइट? तो इसका इस्तेमाल करने से हमें हार्म नहीं होगा, जो इस प्रोजेक्ट का मकसद है। आप इनको सपोर्ट कर रही हैं, आप यहाँ पे आई हैं, क्या कहेंगी इस तरह के जो प्रोजेक्ट मीरा भाईंदर में किए गए, इस तरह का जो शुरुआत किया गया है, क्या कहेंगी? आज की तारीख में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहले तो मैं मेरा नाम बताना चाहूँगी, मेरा नाम रायश्री वॉल्डर है, मैं उद्गम फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ और मीरा भाईंदर कांग्रेस जिला की सचिव भी हूँ। मैं इनको इसके लिए ये कर रही हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल तरीके से अपने प्रोडक्ट्स बनाती है, होममेड प्रोडक्ट्स हैं, मैंने खुद अपनाए हैं, मेरे हस्बैंड ने अपनाए हैं क्योंकि वो डायबिटिक है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, नो साइड इफ़ेक्ट्स। तो मैं चाहती हूँ कि जो नेचुरल चीज़ें हैं हमारी सृष्टि ने हमें दिया हुआ है, पेड़ पौधों से जो बनती है चीज़ें, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपनानी चाहिए। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो ये प्रोग्राम शुरुआत की है, वो बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मेरे ख्याल से इसको बढ़ावा भी देना चाहिए और सब लोगों ने सपोर्ट भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। प्लास्टिक अवॉइड तो करना ही है क्योंकि मैं खुद एक ऐसे गाँव से हूँ कि जो विदर्भ नागपुर से हूँ, जहाँ पर पानी नहीं है और जहाँ पे जब वो खोदा जाता है, हमारे यहाँ पे कुआं खोदा जाता है, तो उसके नीचे कितने तो फुट अंदर प्लास्टिक ही निकल रहा है, पानी नहीं आ रहा। तो पहले तो बात ये है कि प्लास्टिक अवॉइड करो, दूसरी बात पेड़, हर एक इंसान को कम से कम अपनी पूरी ज़िंदगी की लाइफ में एक बार तो एक पेड़ लगाना ही चाहिए और बेटर है कि स्वच्छ पानी के लिए भी थोड़ा सा खुद के लिए, और जो रिसाइकल हो करना चाहिए, मतलब वाटर को रिसाइकल, जो बीच साइड पे आप जा रहे हो, मेरा खुद का होटल था अलीबाग बीच पे, लेकिन मैं खुद वहाँ पे बीच पे जाना अवॉइड करती थी कि इतनी गंदगी वहाँ पे होती थी। तो मैं वो भी मतलब बताने की कोशिश करूँगी कि बीच साइड भी बहुत आप अच्छे से रखो, खुद का ही है हमारा, खुद का पर्यावरण है, खुद ही अच्छे से रखेंगे तो अच्छी ही बात है। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लेकर के आप जो यहाँ पे एक स्टॉल आपने लगाया है, ये माझी वसुंधरा अभियान को कितना सपोर्ट करता है? देखिए, अगर जो माझी अभियान है हमारा, वो पर्यावरण को स्वच्छ करता है, तो यही मेरे मसाले जो है, हमारे जो है, ये हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं क्योंकि इसमें प्योर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं। सेकेंडली, कुछ अच्छे हेल्थ बेनिफिट यूज़ किए हुए हैं, जैसे हम अश्वगंधा का झाड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, गिलॉय का लगाते हैं, उसके बेनिफिट्स हम लेते हैं। तो लोगों ने इसकी टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सप्लीमेंट खाना शुरू कर दिया है, जबकि हमने यही चीज़ हमारे मसालों के अंदर डाल दिया है। किसी में विटामिन सी है, किसी में तुलसी है, किसी में अश्वगंधा है, सारे मसाले जो है वो A2 गाय घी में भुने हुए हैं, तो हमने वो भी एक बेनिफिट लिया हुआ है। नॉर्मली सादे तेल में भुने हुए होते हैं, पाम ऑलिव ऑयल में भुने हुए रहते हैं, तो उससे एसिडिटी फॉर्म होती है, तो ये हमने A2 गाय घी के अंदर भुने हुए हैं सारे मसाले, तो इससे एसिडिटी फॉर्म नहीं होती है। मतलब लाइक हमारे ब्लड के लिए अच्छा है, लीवर के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, तो मेरे हिसाब से पर्यावरण को स्वस्थ करते करते हमको हमारा शरीर भी स्वस्थ करना चाहिए। ये फॉइल पेपर में पैक है, प्लास्टिक नहीं है। जैसे घी भी है ना, मेरा स्टील के डब्बे में पैकिंग है, ये स्टील के डब्बे में। तो ये जो प्रोडक्ट है, इसकी खूबी क्या है और इस मसाले की खूबी क्या है? ये मेरा होममेड प्रोडक्ट है, घर का बना घी भी, मसाले भी। और मेरा मेन ये है ना कि मैं गांव के गरीब को काम देती हूँ, जो गरजू लोग हैं मेरे गांव के, उनको काम देती हूँ, मैं उनसे सब करवा के लेती हूँ, फिर मैं सेल करती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे प्रोडक्ट जो है होममेड है और आप उसके साथ साथ कहीं ना एक ये ऐसा काम करती है कि गांव में जो लोग जो है इसके ज़रूरतमंद है, गरजू लोग हैं, उनसे आप काम करती हैं, काम लेती हैं, तो उनको भी रोज़गार मिलता है, राइट? ओके, बेसिकली दिस इज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट,
ये जो है प्योर ग्लिसरीन है, नेचुरल है, केमिकल फ्री है। सो प्लस आपको ये जो है पूरा स्किन केयर का टेस्ट करके यहाँ पे लाया हुआ है। सो लाइक अपन बोलते हैं लाइक सल्फेट है, सल्फेट में कैसे होता है केमिकल रहता है, हार्म योर स्किन, प्लस इट इज यूज एज अ केमिकल। सो दिस इज नॉट लाइक दैट, इसको प्योरली ग्लिसरीन डाल के बनाया हुआ है, शिया बटर डाल के बनाया हुआ है, मिल्क रहता है, मिल्क से बनाया हुआ है इसको। दिस इज चारकोल प्लस रोज क्ले का सूप है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रोज वाटर, एडिबल है, बहुत अच्छी बात है। सवाल करना चाहता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से माजी वसुंधरा अभियान को सपोर्ट करता है या फिर उससे किस तरह से आप लिंक्ड करेंगी? ये प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और कुछ चीज़ें हैंडक्राफ्टेड होती है हमारी फीमेल्स जो काम करते हैं। दूसरा कि इंडियन संस्कृति ये ग्लोबली जा रहा है भाईंदर से, तो ये सारे ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, स्किन के लिए कितना इफेक्टिव है वो सारा हम एक्सप्लेन करके ही देते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ब्यूटिफिकेशन का है और टोटली फ्रॉम इंग्रेडिएंट टू पैकेजिंग मेड इन इंडिया। और कहीं ना कहीं ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक है और इससे कहीं ना कहीं बॉडी को हमारे हार्म्स नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं इससे लिंक बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। सो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से देखेंगे तो सोलार पैनल ऑब्वियसली एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि मैक्सिमम कोल प्रोडक्ट अभी टाटा रहेगा, रिलायंस रहेगा और कोल पे हम लोग को एनर्जी देता है। सो अगर आप कन्वर्ट करना चाहते कोई सोसाइटी इतना सारा कंज्यूम करती है, इतना अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास में हम लोग का सिटी MBMC, अगर उनको सोलार पे डायरेक्टली रिलाई करना है तो हम लोग का कंपनी इज लाइक द बेस्ट यू कैन से फॉर लाइक अफोर्डेबल, वी कैन गिव अफोर्डेबल थिंग्स। और ये सब और सोलार पैनल ऑब्वियसली अगर आपका एनर्जी कंजम्पशन कम हो रहा है, आपका बिल कम हो रहा है, प्लस एनवायरनमेंट को भी अच्छा इको फ्रेंडली है। सो ये वसुंधरा, इसलिए ये वसुंधरा का इवेंट का एक पार्ट है। तलरेजा जी, राजेश तलरेजा जी, ये जो माजी वसुंधरा अभियान के अंतर्गत जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं और ये कितना बढ़िया है? सर ये तो बहुत अच्छा है, तभी तो मैं दिल से खींच के लाया है। तो मैं इस चीज़ एनवायरनमेंट प्लास्टिक फ्री सिटी करना है और हमको पहले बच्चों को संदेश देना है, बच्चे अपने मम्मी डैडी को बताएंगे कि हमको प्लास्टिक नहीं यूज़ करनी है और ड्राई कचरा अलग करना है, वेस्ट गीला कचरा अलग रखना है। अगर यही कचरा अलग कचरा होएगा तभी मीरा भाईंदर सुधरेगा। और ये जो कार्यक्रम मीरा भाईंदर ने रखा है इट्स फंटास्टिक और मैं अपने आप खुशी से आया हूँ। मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि मीरा भाईंदर पहली सिटी है जिसने ये कार्यक्रम चालू किया है और ये माध्यम जो कर रहे हैं मुझे लगता है बच्चों तक यूज आनी चाहिए। बस बच्चे अगर अपने माँ बाप को बोलेंगे तभी माँ बाप सुधरेंगे। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बचपन में एक चीज़ पढ़ते हैं कि प्लांट हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेता है हमसे और ऑक्सीजन देता है, पर वो सिर्फ एक स्टडीज तक हम लोग सीमित रखते हैं, जैसे फर्स्ट टू फोर्थ, फिफ्थ टू सिक्स, उसके बाद कॉलेज में आने के बाद या आगे लाइफ में जॉब्स करने के हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं। पर प्लांट का तो वही काम होता है। आज हम लोग ने प्लांट से बहुत सारी चीज़ें बनाना सीख लिया है, बैम्बू ब्रशेस, बैम्बू फेस वॉश, पर जो एक्चुअल उसका यूज़ है वो तो हम यूज़ नहीं करते। लाइक हम लोग बहुत सारे फेस वॉश यूज़ कर लेंगे पर जो नेचुरल एलोवेरा है कभी हम उसको यूज़ करने का नहीं देखते, जो हम लोग को नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और लाइक उसको हम लोग को टेक केयर कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये मिलता है कि यूथ को भी एक चांस मिलता है कि वो ये सबको प्रमोट कर सके। प्लस हम लोग पॉट्स में भी ट्राई करते हैं कि जितना हो सके हम लोग सिरामिक यूज़ करें, मर्ड यूज़ करें, ना कि POP यूज़ करें, जैसे इको फ्रेंडली हो कि वो कहीं पे भी डिसॉल्व हो जाए। बेसिकली हमारा है ना मेनली मोटो अभी ये है कि मेडिसिनल प्लांट्स इसमें है, सो जैसे कि इंसुलिन हो गया या फिर ब्राह्मी हो गया, हाड़जोड़, एजवेन, देन तुलसी है, विक्स तुलसी है, गौती चाहा है, तो ये जनरली अभी इम्यूनिटी बूस्टिंग का हमारा कंसेप्ट चल रहा है, या फिर अम्बे हरद हो गया, काली मिरी, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस है। अल्टीमेटली हम लोग खुद के इम्यूनिटी के साथ साथ एनवायरमेंटल इम्यूनिटी भी एक तरह से बूस्ट करने का देख रहे हैं। लाइक सेंसिवेरिया है, इंडोर प्लांट है और उसका एक मेन मोटो है कि वो ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरह से जनरेट करता है और हम लोग घर में लगाएंगे तो अच्छा
एक वाइब्स क्रिएट जनरेट कर। तो कहीं ना कहीं आपके पास ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स भी हैं, इंडोर में भी लगा के उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं, बाहर लगा के भी। और ऑफ कोर्स पेड़ पौधे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, वो ना हो तो हमारा जीवन ना। थैंक यू सो मच। सेव अर्थ, सेव एनर्जी, ग्रीन रेवोल्यूशन। और जो फ्रेंडली सर्कल है ना, डू नॉट यूज़ द प्लास्टिक, आप इस्तेमाल मत कीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। अभी देखो 100% कॉटन के हमने कपड़े रखे हैं, 100% कॉटन के रखे कपड़े, नॉर्मल प्राइस रखे हैं 199, 299। हमने सिर्फ ओनली 50 रुपीज़ 7 कंपार्टमेंट, क्रेडिट कार्ड आप पैसे वगैरह रख सकते हो, सो मेनी कलर्स है, सिर्फ 50 रुपये में रखे हैं। ये मैंने क्यों रखा है, इसका कुछ लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे कोई गरीब महिला है, गरीब स्टार्टअप है, नव उद्योजक है, वो हमारे से 50 रुपये में लेके वो 100, 150, 200 में दे या गिफ्ट दे दे, ये गिफ्ट दे दे। तो दोस्तों ये बड़ी अच्छी सोच है कि यहाँ पे ये आए हैं, इन्होंने स्टॉल लगाया है और बहुत ही सस्ते में। ये क्या प्राइस का है? ये नॉन लेदर है, लेकिन देखो कैसे लेदर के जैसा दिख रहे हैं। लेदर बहुत एक्सपेंसिव होता है, अगर मैं लेदर की बैग लेता हूँ तो वो स्टार्ट 8,000-10,000 से होती है। ये हमने सिर्फ 999 को लेके, देखो लेदर से बढ़िया दिख रहा है, नॉन लेदर, लेदर लुक लाइक, तो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है सर। ये देखिए बैग नॉन लेदर, लेकिन देखो लेदर के ऊपर दिख रही है बैग, ओनली 1500 रुपीज़। वेरी गुड थॉट। तो दोस्तों इनका मकसद यहाँ पे स्टॉल लगाने का ये है कि इनके पास जो प्रोडक्ट है, सस्ते प्रोडक्ट है, वो ले करके दूसरे लोग जो है उससे फ़ायदा भी कमा सकते हैं।